वेलकम बैक टू न्यू एंटर विथ व्लॉग। सो आज का जो हॉल है उससे हम उसकी हम स्टार्टिंग करते हैं अनबॉक्सिंग से। सो किधर गए मेरे टॉप? सो या यहाँ पे हमारे पास मेरे सब टॉप्स है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। एंड आई होप आपको अच्छा लगे, अगर लगता है तो सब्सक्राइब डालने का। ये वीडियो बनाते वक्त मुझे इतना पसीना आ रहा है कि मैं फाइनली कह सकती हूँ कि ये मेरे खून पसीने की, मैंने खून पसीना दिया है इस काम के लिए। खून नहीं दिया बट पसीना तो दिया है। सो या लेट्स स्टार्ट। तो जो पहला टॉप है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो कुछ मतलब खास ही है, मतलब सब कुछ ही खास है आज, क्योंकि ये सब मेरे कपड़े हैं। दीज आर नॉट गिफ्ट्स और एनीथिंग। तो बेसिकली मेरी मम्मी के टॉर्चर से बचने के लिए मैंने सब अनबॉक्सिंग करके सिर्फ मतलब पैकेट्स खोल के रखे, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग पैकेट्स थे जो आई वॉन्टेड टू अवॉइड माई मदर टू सी। मतलब मैं मेरे मम्मी को नहीं दिखाना चाहती थी कि ओ इतने सारे पैकेट्स, एंड ऑल। सो या तो गाइज जो फर्स्ट टॉप है वो कुछ ऐसा है, सॉरी ये उल्टा है क्योंकि आज मैंने ये पहना था, रियली सॉरी गाइज, आई होप इट डजंट हर्ट यू। बट ये टॉप जब आया था ना गाइज तो पूरा ऐसा चुरगड़ा हुआ आया था, बट मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगा जब मैंने पहना तो मुझे कंफर्टेबल लगा, इसलिए मैं सोच रही कि जब ये आया और मैंने देखा कि अरे बाप रे इतना चुरगड़ा है, तो मैं सोच रही थी कि इसको रिटर्न कर दूंगी, बट अभी मैंने इसको रखा है। इसको यहाँ पे ये जो टाई करने के लिए नॉट्स है, मतलब यहाँ पे आप ऐसे अच्छे से बांध सकते हो। इसका मटेरियल जो है वो ऐसा थोड़ा सॉफ्ट है, टेरिकोट टाइप। फिर इसके जो स्लीव्स है वो बॉल स्लीव्स है, मतलब बड़े है, तो इट्स लुक काइंड ऑफ अ क्यूट। सो या दिस इज़ द फर्स्ट वन। ये वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं आपको बहुत फास्ट बता रही हूँ, वरना स्लो तो मतलब मेरा हर काम ही होता है। तो सो हे गाइस, जो पहला वाला टॉप है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे, एज यू कैन सी। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला जो टॉप है वो पहले से ही थोड़ा सा चुरगड़ा हुआ आया था, बट स्टिल इट्स लुक गुड ऑन मी काइंड ऑफ, बट नॉट टू मच। As you can see, fitting अच्छा है। इसके जो sleeves है वो कुछ ऐसे bouncy type है। So yeah, it's quite well. For 240 rupees, it's I think not so good for 240 rupees. But yeah, it's fine, like okay. मतलब कपड़ा बहुत खराब नहीं है, बहुत transparent नहीं है, अच्छा है। तो जो second है वो top कुछ ऐसा है, और ये जो है ये basically एक shirt है जो कि फुल साइज शर्ट नहीं है, मतलब फुल स्लीव्स भी नहीं है और इसका जो साइज है वो भी फुल नहीं है। इट्स काइंड ऑफ अ टॉप बट शर्ट, एंड अच्छी मस्त स्लीव्स है जो कि ऐसे बॉल स्लीव्स है, और इसका यहाँ पे दो नॉट्स है और बटन से, इट्स लुक काइंड ऑफ क्यूट। तो देखते हैं ये टॉप मुझे कैसे दिखता है। दूसरा टॉप है वो मुझे कुछ इस तरह से दिख रहा है। आई पर्सनली थिंक ऑफिस के लिए ये जो टॉप है वो बहुत मस्त जाएगा, बिकॉज एज यू कैन सी इसके जो स्लीव्स है वो भी अच्छे है, लाइक थोड़े थोड़े से बॉल है, बट बिकॉज ऑफ मेरा हाथ बहुत चौड़ा है तो वो दिख नहीं रहा है। फिर से कॉलर है, थोड़ा ब्रॉड कॉलर है, और ये जो फिटिंग है ये भी बहुत मस्त है, पीछे से थोड़ा लॉन्ग है, सो इट्स ऑल्सो मेकिंग मी फील गुड एंड कम्फर्टेबल। सो या इसका कपड़ा भी मुझे बहुत अच्छा लगा, ये भी कुछ 240 रुपीज का है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कुछ गलत होगा प्राइस मैं तुम्हें नीचे डाल दूंगी, यू कैन नो इट। सो या मुझे ये टॉप भी बहुत अच्छा लगा, लाइक इट्स लुकिंग क्वाइट गुड राइट। सी दो मेरे बाल इतने अच्छे नहीं लग रहे, बट टॉप इज लुकिंग गुड यू नो। यहाँ पे फिर ऐसे नॉट्स है जो थोड़े क्यूट लग रहे हैं, बट इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन जस्ट चेंज देम खुद से। ये कुछ बहुत ही गलत बांधे हैं मैंने। ये टॉप अच्छा आया था, मतलब पैकिंग वगैरह अच्छा था एज वी हैव सीन। सो या ये मुझे अच्छा लगा, ऑफिस के लिए वगैरह ये परफेक्ट जाएगा। मैंने इसको ब्लैक पैंट के साथ डाला है, आई थिंक यू कैंट सी इट बट दैट्स फाइन। और ये टॉप भी बहुत मस्त लग रहा है, आई होप आपको अच्छा लगा हो। सी इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत मस्त है, मतलब एकदम सा ठीक है, और इस पर लाइंस भी है, तो इट्स लुक काइंड ऑफ अ गुड, यू कैन सी। ओके सो अभी हम नेक्स्ट टॉप की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट टॉप है वो है ये वाइट कलर का। इसका जो है मुझे एक्चुअली ये बहुत पसंद आया कि इसमें है ना नेट है, तो इसकी वजह से मैंने ये टॉप लिया था, और ये भी मुझे ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा था। मैं सबके प्राइजेस यहाँ पे नीचे दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ देख लो कि कौन सा टॉप कितने का है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ऑर्डर। और सभी के मैं लिंक्स जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सो डोंट वरी। और ये वाला जो है
ये भी टॉप ही है, मतलब सॉरी ऑफकोर्स टॉप ही है, बट इसका जो है मुझे ये जो है नेट ये वाला पोर्शन बहुत पसंद आया। ये पूरा हैंड मतलब स्लीव्स को भी है, बैक में भी है, यहाँ पे एक बटन है। इसका जो मटेरियल है ये काइंड ऑफ अ स्ट्रेचेबल है टेरिकोट जैसा, और ये डबल एक्सेल का टॉप है और फिक कंपनी का है। इसका जो MRP है वो 699 है, लेकिन मुझे कुछ तो ये 240 में ये ऐसा कुछ मिला है, लेकिन देखते अभी ये मुझे कैसा दिखता है। सो हे गाइस, थर्ड टॉप मुझे कुछ टाइट सा लग रहा है, बहुत ऐसा चिपका हुआ लग रहा है मेरे बॉडी को। सो आई एम नॉट रियली सो मच कंफर्टेबल। अगर मैं थोड़ी सी पतली होती तो शायद ये अच्छा दिखता, लेकिन आप अगर डबल एक्सेल हो और मेरे से थोड़े पतले हो तो आई गेस ये टॉप आपको बहुत अच्छे से आएगा। आई एम लिटिल अनकम्फर्टेबल इन दिस टॉप बिकॉज एज यू कैन सी यू नीड एवरीथिंग टू गो विद दिस टॉप, लाइक प्रॉपर इनर्स एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक इट वॉज अ डील क्वाइट ऑफ, बिकॉज अगर आप इसको अच्छे से कैरी कर सकते हो तो इट विल लुक रियली गुड, बिकॉज ये नेट वगैरह बहुत अच्छा लुक दे रहा है। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मेरा आईना वहाँ पे है, सो आई एम लुकिंग देयर ओनली। सो या कुछ इस तरह से ही दिख रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फिट हो गया तो मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, बट इट्स लुक गुड। नेक्स्ट वन है, मैंने एक टिपिकल शर्ट ऑर्डर किया था, वो कुछ मुझे बहुत मतलब मुझे डाउट था कि ये मुझे आएगा नहीं आएगा या फिर बहुत टाइट होगा, बट येस दिस हियर इट इज़। इसका ये जो कॉलर है, ये जो पोर्शन है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लुक दे रहा है इसको। ये बहुत ऐसा नॉर्मल शर्ट है, ऑलिव ग्रीन कलर का है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो मटेरियल है वो काइंड ऑफ अ कॉटन है, तो उसकी वजह से भी ये बहुत अच्छा फिनिशिंग देगा, और किसी के पैंट के साथ ये जा सकता है। अगेन दिस इज़ फ्रॉम फिग डबल एक्सेल एंड ऑल्सो आई हैव लव्ड इट अ लॉट, आई एम लाइकिंग इट अ लॉट। सो या आई एम कीपिंग दिस फॉर श्योर। देखते ये मुझे कैसा दिखता है। आई रियली लाइक दिस वन, मतलब ये कितना कम्फर्टेबल लग रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका ये जो डिज़ाइन है भी मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम सॉरी ये मैंने नहीं निकाला है। सो यू कैन सी ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स जस्ट टेक सम पिक्चर्स। तो गाइज ये टॉप बहुत कंफर्टेबल है और बहुत क्यूट भी दिख रहा है एज यू कैन सी, और ये किसी भी जींस के साथ ये बहुत मस्त जाएगा। मेरी ब्लैक जींस के साथ ये बहुत अच्छा दिख रहा है, यू कैन पेयर इट विद एनी काइंड ऑफ अ जींस, और ये बहुत सस्ता मिला है मुझे, नियरली अबाउट 150 rupees के आसपास मुझे मिला है। आई रियली लाइक दिस वन बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन इट हैज, और ये आपको मतलब कैजुअली पहनने के लिए बहुत मस्त दिखेगा। अगर कहीं पास जा रहे हो आप या फिर यू नो जस्ट स्मॉल ओकेजन्स आर देयर, तो आप ये पहन सकते हो, और ये बहुत मतलब क्लासी भी मुझे तो अच्छा लग रहा है, बिकॉज थोड़ा बहुत क्लासी लग रहा है, और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ा है और रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। सो या आई क्वाइट लाइक इट, मतलब अगर कहीं पे भी पास में जाना है तो आई विल वेयर दिस फॉर श्योर। टाटा टाटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन गाइस। ये भी मैंने आज पहन के देखा था, बिकॉज मुझे डाउट था कि मैं रिटर्न करूँ या रखूँ, बट ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग फॉर अ रिटर्न, उसकी भी मैं आपको वजह बता दूंगी। सो सी ये जो टॉप है, इसका मुझे कलर कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा क्यूट लगा, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया, और इसका सच्चे में कलर कॉम्बिनेशन, मटेरियल, सब कुछ बहुत अच्छा आया है। यहाँ पे पीछे बटन है, और अगेन दिस इज़ फ्रॉम लीवा कंपनी का है, 699 MRP है, ये भी मुझे कुछ 240 rupees में मिला है। और इसका जो है ये सेमी कुर्ती टाइप है, मतलब यहाँ पे नीचे यू कैन सी ऐसे थोड़ा सा घेर है, मतलब यू नो अनारकली टाइप, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉर्मली है यू कैन सी। और इसके जो स्लीव्स है इस पर ऐसा ये ऐसा पट्टी लगाया है, तो इट्स लुक काइंड ऑफ गुड, और मुझे ये बहुत ज़्यादा शायद टाइट होगा, तो चलिए पहन के देखते हैं। और ये भी कॉटन का मटेरियल है। हेलो, सो गाइस ये जो कुछ सेमी कुर्ती टाइप है, सेमी ट्रेडिशनल टाइप, ये जो टॉप है ये मुझे अच्छा लगा है, बट इट्स मुझे ये फिर से टाइट हो रहा है, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई, शायद मेरे ये जो आर्म्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, आई नीड टू वर्कआउट मोर।
फॉर द आर्म्स. तो यहाँ पे जो है मुझे टाइट लग रहा है और बैक से भी मुझे टाइट लग रहा है. सो आई एम थिंकिंग ऑफ रिटर्निंग इट. बट अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो बिकॉज ये टाइट है तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये दिखने में बहुत सुंदर दिख रहा है. इसको नीचे से थोड़ा फ्रिल टाइप है जो कि मुझे बिल्कुल भी फ्रिल नहीं हो रहा बिकॉज मेरा पेट इतना ज्यादा बड़ा है. मतलब देखो कुछ टॉप्स जो है तो बहुत मतलब साइज में परफेक्ट आते हैं, कुछ जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे होता है बिकॉज ऑफ मटेरियल एंड साइज डिफरेंट, अगेन कंपनी डिफरेंट वगैरह इसकी वजह से. तो लेकिन ये अच्छा दिख रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल और सुटेबल लग रहा है. अगर ये आप अच्छे से पुल पैंट से कैरी कर सको तो दिस विल बी बेस्ट कॉम्बिनेशन विद एनी काइंड ऑफ अ पैंट फॉर यू एंड स्पेशली फॉर द प्लस साइज गर्ल्स. आई वुड लाइक टू से कि अगर मतलब आप मेरे से थोड़े पतले हो तो आपको ये बहुत सुंदर दिखेगा, मुझे भी अच्छा दिखेगा. गाइज आई थिंक मेरा लिपस्टिक पूरा चला गया है, बट एनीवेज हु केयर्स, आई एम ब्यूटीफुल एज इट इज. ओके गाइज, सो दिस इज सेकेंड लास्ट स्टॉप. आई होप आप एंजॉय कर रहे हो, बोर नहीं हो रहे हो और टिके रहे हो. ये भी उल्टा है, ये ऐसा ही आया था, मैंने इसको पहना वहना नहीं है. यू कैन सी ये, वाव आई लव इट एक्चुअली. मुझे नए कपड़ों का स्मेल बहुत पसंद है. तो ये जो है रेड कलर का है, सेमी ट्रेडिशनल टाइप थोड़ा सा है. यहाँ पे जो है ये ऐसा थोड़ा सा बटन्स है चार, एक दो तीन चार. फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा यू नो फ्रिल बनाया हुआ है. फिर हाथ जो है, हाथ के स्लीव्स जो है वो थोड़े से बॉल टाइप स्लीव्स है. ये भी मुझे काफ़ी क्यूट लगा और अगेन ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है. एंड इसका जो बैक है, मतलब इस पर जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है, मतलब सीट फॉर यू से. और ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, देखते. Oh my God, guys, I'm kind of in love with this top because ये मुझे इतना perfect बैठ रहा है ना, और इतना perfect दिख रहा है because after of course because red is my favorite color और red हर चीज मुझे पसंद है. तो red top जो है वो I was kind of you know eagerly waiting कि कैसा आएगा कैसा आएगा. ये इसका मैं specifically wait कर रही थी, but ये जो है ये भी बहुत अच्छे से बैठ रहा है, बहुत अच्छे से fit हो रहा है. मतलब ऐसा कुछ भी you know जो पहले व्हाइट वाला दिख रहा था वैसे तो नहीं दिख रहा है. और इसको काइंड ऑफ यू नो ऐसा थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक है, तो आप मतलब किसी भी छोटे से फंक्शन में भी इसको कैरी कर सकते हो. किसी भी पैंट के साथ ये जाएगा, ब्लू ब्लैक व्हाइट एनी काइंड ऑफ थिंग. और इसके जो स्लीव्स है वो बहुत मस्त है, लाइक इस तरह से है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत सुंदर दिख रहा है. यहाँ पे बटन से ये जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है इस टॉप को, और भी एक तरह से फाइव स्टार दिखा रहा है. सो आई रियली रियली लव इट. एंड गाइस आई एम रियली सॉरी, बट वेट फॉर मी. एंड गाइज द फाइनल टॉप इज दिस वन. ये जब मैंने खोला था तभी मुझे पता था कि ये मुझे नहीं आएगा बिकॉज यू कैन सी ये बहुत ही छोटा है, मतलब किधर से भी नहीं बैठ रहा है. अगेन दो इट इज डबल एक्सेल, मुझे नहीं बैठ रहा है. इसके स्लीव्स मुझे काफ़ी कूल लगे थे इसलिए मैंने ऑर्डर किया था, बट ये नहीं बैठ रहा है मुझे. सो या दिस इज गोइंग टू रिटर्न फॉर श्योर. और ये बिल्कुल भी मतलब फिटिंग में नहीं आया है, आई डोंट नो वाई. मैं जो भी है आपको फ्रेंकली बता रही हूँ. और ये दो इट इज डबल एक्सेल स्टिल इसका साइज ऐसा है, शायद जो इनके सिलाई वाले हैं उनसे गड़बड़ हो गई है. सो या आई होप, तो देखते कुछ नहीं, अभी ये तो रिटर्न ही जाएगा सो इसमें कुछ नहीं हो सकता. तो ये जो टॉप मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि हमने देखा था कि ये मुझे नहीं आएगा, तो ये मुझे नहीं नहीं आया है बिकॉज जस्ट इतना छोटा टॉप मुझे कैसे आएगा. तो इसके स्लीव्स मुझे अच्छे लगे थे, कलर अच्छा लगा था इसलिए मैंने ऑर्डर किया था. जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसका जो मटेरियल थोड़ा सा क्रश टाइप है, तो वो भी मुझे अच्छा लगा. स्लीव्स मुझे स्पेसिफिकली बहुत अच्छे लगे थे तो मैंने ऑर्डर किए थे. बट नाउ एज ये नहीं बैठा तो मैं इसको पहन भी नहीं सकती, मतलब मेरा हाथ भी इसके अंदर नहीं जा रहा, सो आई कैंट रियली डू एनीथिंग. तो ये जो टॉप है वो तो डेफिनेटली रिटर्न ही जाएगा, लेकिन आप पतले हो आई गेस ये कुछ स्मॉल साइज वाली लड़कियों को आ जाएगा डबल एक्सेल. आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हुआ है. वी आर अजियो, प्लीज लुक इनटू द मैटर. और ये टॉप अभी मुझे रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें नहीं बैठ रही हूँ. बट दिस इज ऑल फॉर टूडे. हमारे जो बाकी के टॉप थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे. कुछ कुछ है जिसका मटेरियल के बारे में मैंने आपको फ्रेंकली बता दिया, कुछ का साइज का इश्यू था वो भी मैंने आपको बता दिया. बट इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि आप कैसे यू नो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो. मैं 200-250 में यही एक्सपेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं मार्केट में घूमी हूँ और मैंने देखा है कि 200-300 रेंज में आपको प्लस साइज कपड़े मिलना ही बहुत मुश्किल होता है. तो ये तो बात की बात है कि आपको टॉप्स अच्छे मिलेंगे, स्टाइलिश मिलेंगे, नहीं मिलेंगे. सो इफ मेरे लिए अगर मैं 200-250 तक अगर ऐसे टॉप्स ले रही हूँ, अगर मुझे मिल रहे हैं, तो इट्स काइंड ऑफ अ डील फॉर मी. सो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा. अगर लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि बहुत सारे हॉल्स अभी आने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत शॉपिंग की है बिग बॉर्ड सेल में. तो स्पेशली पैंट का जो हॉल है उसके लिए मैं खुद बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ. आई होप आप सभी को अच्छा लगे.
एंड अनदर थिंग इज कि अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो का लाइक करिए ताकि बहुत ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। मतलब देखो मैं कितने कष्ट ले रही हूँ, थक रही हूँ, और जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा उतना ही मुझे हेल्प होगा मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए। सो या आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर सब्सक्राइबिंग ऑलरेडी, एंड इफ यू हैव नॉट प्लीज सब्सक्राइब। और मुझे ये आज का हॉल जो है वो बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी पसंद आए। अगर आपको ऑर्डर करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में हर एक पॉप का लिंक दे रही हूँ, आप जल्दी से जाओ ऑर्डर करो। देखो इट डजंट मैटर कि सेल खत्म हुआ है, बिकॉज प्राइजेस आर सेम एंड दे वर ऑलवेज सेम। सेल मतलब उनका सिर्फ ये रहता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करना है, लोगों को प्लेटफॉर्म तक लाना है, उसके बाद उनको पता है कि लोग जो है वो देखेंगे, वो प्राइस कंपेयर करेंगे और लेंगे। और ऑलरेडी अजियो के जो प्राइजेस है वो बहुत कम है, सो आप ले सकते हो। Come on, come on.